नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। लैंगिक रूप से संचारशील रोगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो लैंगिक रूप से जो रोग एक जगह से एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं वो रोग कौन से कहलाते हैं? लैंगिक रूप से संचारशील रोग कहलाते हैं। शुरू में पढ़ा था अपने चौथे अध्याय की शुरुआत में, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हीं को बताना है। तो आंसर में देखिए एक तरफ अपन रोग के नाम लिखते हैं और एक साइड लिखेंगे रोग जनक का नाम, ठीक है ना। रोग कौन सा है और ये रोग किस से होता है उसका नाम लिखना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहला है एड्स। एड्स रोग जो होता है ये किससे होता है? ह्यूमन यानी HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। दूसरा होता है सेकेंड गोनोरिया, इसी का नाम गोनोरिस भी बोल सकते हैं। ये किससे होता है? लिसेरिया गोनोरिस से होता है। नेक्स्ट होता है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये ट्रिपोनिमा पेरिडम से होता है। जेनाइटल हर्पीज या जेनाइटल हर्प बोल सकते हैं इसको, ये किससे होता है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। नेक्स्ट होता है NGU नॉन गोनियोकल यूरिथाइटिस, ठीक है ना। ये रोग किससे होता है? नेसेरिया गोनोरी से होता है। नेक्स्ट ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस रोग किससे होता है? ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया से। कैसे होता है? ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया से। नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। नेक्स्ट होता है जेनाइटल पर्स, ठीक है ना। ये रोग किससे होता है? ह्यूमन पेनिलोमा वायरस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता कैंट्रोइड। कैंट्रोइड होता है हीमोफिलिस ड्यूक्री। हीमोफिलिस ड्यूक्री हेपेटाइटिस रोग का नाम है हेपेटाइटिस बी। और एक होता कैसे है? हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी। सुनने के लिए वायरस से होता है, जैसे हमने कहा कोरोना रोग हो गया, बेटा कोरोना वायरस से होता है इसलिए उसका नाम है कोरोना रोग। और कोरोना रोग में हमें क्या हो जाता है बताओ? क्या हो जाता है? इसके लक्षण जो मैंने देखे हुए हैं, जैसे मेरा सर्दी जुकाम होता है, किसी हड्डी भी कम होने लगती है, ठीक है ना, खांसी वगैरह आता है, ओके। तो क्वेश्चन अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है।